हे एवरीवन, आई एम प्रिंस फ्रॉम कॉम्पसको और आज हम बात करने वाले हैं इंटेल के लेटेस्ट 13 जेन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स के बारे में। वी विल लुक एट सम बेंचमार्क्स अलोंग विद परफॉर्मेंस ऑन पॉपुलर ईस्पोर्ट्स टाइटल्स। पिछले साल इंटेल ने 12 जेन के साथ पीसीज में पहली बार रेवोल्यूशनरी हाइब्रिड आर्किटेक्चर निकाला था। उसी आर्किटेक्चर को इंटेल अब एक और स्टेप आगे ले गया है। 13 जेन में हर कोर की फ्रीक्वेंसी तो बढ़ी ही है, उसके साथ साथ कोर काउंट भी ज्यादा है, जिसका रिजल्ट है माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। बट इट कम्स एट अ कॉस्ट। इट ड्रॉज एन इमेंस अमाउंट ऑफ पावर व्हाइल डिलीवरिंग दिस परफॉर्मेंस। वी विल कवर द पावर एंड कूलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ 13900 के इन अ सेपरेट वीडियो। तो शुरुआत करते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क से। यहां मैं थोड़ा सिंथेटिक बेंचमार्क्स और उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा। जनरली लोग प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशंस देखकर उसकी परफॉर्मेंस जज करने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। स्पेसिफिकेशन से आप सिर्फ एक ही जनरेशन के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली एक्यूरेट हो। दो डिफरेंट ब्रांड्स और आर्किटेक्चर तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम AMD के पुराने Ryzen 7 2700X को Intel के i9 12900K से कंपेयर करें, तो i9 की सिंगल कोर फ्रीक्वेंसी AMD से कंपेयर्ड बस 20% ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट डबल है। तो इसलिए सिंथेटिक बेंचमार्क्स हमें प्रोसेसर्स की एक्चुअल एबिलिटी दिखाते हैं। अब वो एबिलिटी आपकी गेम 100% यूज कर पाएगी या नहीं, वो तो गेम पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब देखते हैं 13 जेन के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद सिनेबेंच R23। ये CPU की सिंगल कोर और मल्टी कोर रेंडरिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करता है। सिंगल कोर परफॉर्मेंस में i5 13600K ने तो 12th जेन i9 को मैच ही कर लिया, और i9 13900K पिछले जेन से अप्रॉक्सीमेटली 13-14% आगे रहा। मल्टी कोर परफॉर्मेंस में i9 13900K अपने अलग ही लीग में है। i9 12th जेन से ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा परफॉर्मेंस। मूविंग ऑन टू वीरे CPU बेंचमार्क। Cinebench की तरह ये भी CPU की रेंडरिंग कैपेबिलिटी टेस्ट करता है, लेकिन सिर्फ मल्टी कोर। यहाँ भी i9 13900K ने i9 12th जेन से लगभग 50% बेटर परफॉर्म किया। नेक्स्ट अप, ऑक्टेन 2.0 बेंचमार्क। ये गूगल का खुद का बनाया हुआ बेंचमार्क है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन की परफॉर्मेंस टेस्ट करता है। इट कवर्स मोस्ट यूज केसेस एनकाउंटर्ड इन द रियल वेब। मोस्ट सच वर्कलोड्स आर टिपिकली सिंगल थ्रेडेड। और यहाँ भी i5 13600K i9 12th जेन के बराबर रहा, और i9 13900K 16% आगे रहा। मूविंग ऑन टू स्पीडोमीटर। ये बेंचमार्क वेब एप्लीकेशंस की रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करता है। यहां भी इन CPUs के बीच हमें सिमिलर परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने मिला। सो टाइम टू रिव्यू द गेमिंग टेस्ट रिजल्ट्स। गेम्स में इन CPUs को कंपेयर करने के लिए ये जरूरी है कि GPU की वजह से गेम की परफॉर्मेंस लिमिट ना हो। हमने हर गेम में उसी हिसाब से ग्राफिक सेटिंग्स को एडजस्ट किया है। शायद इतनी एडजस्टमेंट RTX 4090 के साथ नहीं करनी पड़ती, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ RTX 3090 के ही टेस्ट सैंपल्स थे। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद वैलोरेंट, प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर गेम इन इंडिया राइट नाउ। वैलोरेंट की टेस्टिंग हमने स्टार्ट की DM से। i5 13600K i9 12th जेन से बस 10-12% ही पीछे था, और i9 13900K में तो एवरेज FPS 35% ज़्यादा था। लेकिन DMs तो बस प्रैक्टिस हैं, क्या एक्चुअल मैचेस में भी इतना ही परफॉर्मेंस डिफरेंस है? जी हाँ, अनरैंक मैचेस में इवन दो सभी CPUs में ओवरऑल FPS थोड़ा कम था, लेकिन परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस डिफरेंस बिल्कुल सेम। दिस इज अ ह्यूज जंप कंसिडरिंग दैट i9 12900K वॉज ऑलरेडी अ वेरी पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर। मूविंग ऑन टू काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। हमने DM और कॉम्पिटिटिव मैचेस के अलावा बेंचमार्क मैप भी टेस्ट किया। बेंचमार्क मैप इजंट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ एक्चुअल गेम प्ले, बट इट हेल्प्स इन मेकिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपैरिजंस। बेंचमार्क मैप में i5 13600K
i5-12600K से तो काफ़ी आगे रहा, बट अनलाइक वैलोरेंट i9-12 Gen को टक्कर नहीं दे पाया। हाउएवर डेथ मैचेस वर अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। यहाँ हो सकता है हमें थोड़ा और टेस्ट करना पड़े, लेकिन अभी के टेस्ट रिजल्ट्स के हिसाब से i5-13600K ने i9-12 Gen से 15% की लीड ले ली और i9-13900K तो 47% आगे रहा। कॉम्पिटिटिव मैचेस में भी ये नंबर्स थोड़े अलग थे। यहाँ i9-13900K i9-12 Gen से अराउंड 13% आगे रहा और i5-13600K 8% पीछे था। नेक्स्ट अप फोर्टनाइट। फोर्टनाइट में भी CSGO की तरह एक कम्युनिटी मेड बेंचमार्क मैप है, जिसमें i5-13600K और i9-12 Gen के स्कोर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल थे और i9-13900K पिछले जेन के i9-12900K से 10% आगे था। सिंस बेंचमार्क्स इन मोस्ट ई-स्पोर्ट्स टाइटल्स आर नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ एक्चुअल गेम प्ले, वी ऑल्सो टेस्टेड फोर्टनाइट ऑन जीरो बिल्ड मोड और यहाँ भी i5-13600K i9-12 Gen के बराबर रहा, लेकिन i9-13900K ने तो ऑलमोस्ट 20% की लीड ले ली। द लास्ट गेम वी हैव फॉर टुडे इज डोटा 2। दिस इज परहैप्स द ओनली ई-स्पोर्ट्स गेम वेयर वी डू नॉट नीड टू प्ले एवरी टाइम टू गेट एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स। डोटा 2 के एक्चुअल मैच और उसके रीप्ले की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ फिर से i5-13600K i9-12 Gen जैसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है और i9-13900K तो 25% ज़्यादा परफॉर्म किया। माइंड ब्लोइंग। तो क्या है फाइनल वर्डिक्ट ऑन 13 Gen? टू पुट इट सिंपली, 13 Gen हैज मेड एवरी अदर प्रोसेसर जनरेशन ऑब्सोलीट राइट नाउ, इवन इंटेल्स ओन 12th Generation। AMD के लेटेस्ट प्रोसेसर्स हमने अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं, but we have seen the data and they are definitely behind. If budget permits, 13900K is the best processor for you right now. और अगर आपका budget i9-13 Gen का नहीं है तो i7-13 Gen लो, i7 का नहीं है तो i5 लो, but we see no good reason for anyone to purchase a 12th generation i7 and i9 right now. That's it for today guys, hope you liked the video, don't forget to hit that like button and share this video with your friends. Do let us know in the comments if there are some other games you would like us to test.